देखिए, आप कितनी भी चिंता क्यों ना कर लो, लेकिन चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी उस शहर में रहने वाले उस व्यक्ति की है जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि धर्म कर्म करने में उसकी आस्था तो थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर अहंकार की भी कमी नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि इस जन्म में उसे जो चाहे करना पड़े, लेकिन मरने के बाद उसे स्वर्ग अवश्य मिले। वो अपनी कमाई का अधिकतर भाग परोपकार में लगा देता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अब जैसे जैसे उसका परोपकार का भाव बढ़ता, तो उसके अंदर का अहंकार में भी वृद्धि होती हुई चली जाती। तो एक बार हुआ यूं कि उसके घर पर एक संत आकर रुक गए। वो फौरन उनकी सेवा में लग गया। साथ ही साथ उसने संत से पूछ ही लिया कि वो स्वर्ग जाने के लिए उसे कोई उपाय बताए, और उनसे कहा कि वो स्वर्ग जाने के लिए ऐसे परोपकार के काम भी करता है। उनसे पूरी चर्चा की। अब संत ने कुछ देर सोचकर उसकी तरफ देखते हुए बोला कि तुम स्वर्ग जाओगे? मुझे तो तुम सकल से ही घटिया आदमी लगते हो। मैं नहीं मानता कि तुम कोई परोपकारी या कोई ज्ञानी व्यक्ति हो। इतनी बात सुनते ही उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि उसने संत को मारने के लिए एक डंडा उठा लिया। वो जैसे ही संत की तरफ बढ़ा, संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम में तो तनिक भी धैर्य नहीं, इतनी अधीरता और अहंकार के होते हुए तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे? बस संत के इतने से शब्द बोलते ही उस व्यक्ति को संत की बातों का मर्म समझ में आ गया। वो तुरंत संत के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अब इस छोटी सी कहानी से सीखने वाली बात यह है कि अधिकतर लोग हमें दुनिया में ऐसी सोच रखने वाले भी मिल जाएंगे जो धर्म कर्म को इसी सोच के अनुसार करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो धन दौलत के मामले में तो अमीर हैं, लेकिन वो धर्म कर्म को भी इसी सोच के साथ करने में लगे हैं। आप कभी उनके पास बैठिए तो उनकी बातों से एक नेगेटिविटी, उनके विचार किसी नुकीलेबान से कम नहीं होंगे। देखिए, एक पल के लिए अगर हम भूल जाए कि मृत्यु के बाद शायद कोई ऐसी जगह है कि जिसका नाम स्वर्ग या नरक है, इस बात से हटकर मेरा तो यह मानना है कि अगर आपके पास ऐसा दिल या ऐसा दिमाग है जो आपके अंदर की इंसानियत को जिंदा रखे हुए है, जहां आप सामने वाले के विचारों की कदर करते हुए, सम्मान करते हुए दूसरे के विचारों का, और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अगर आपके पास ऐसा वातावरण है तो यकीन मानिए कि आप अभी स्वर्ग में ही हैं। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नरक से बचे हुए ही कहाँ हैं। यह कहानी हमें यही बात सिखाती है। कहानी के बारे में आपकी राय, आपके विचार हमें ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।